कैथल में विश्व संवाद केंद्र द्वारा देवऋषि नारद जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा सम्मानित पत्रकार भी मौजूद रहे। सभी ने मंच के माध्यम से देवऋषि नारद को प्रणाम कर आज की पत्रकारिता के बारे में अपने विचार रखे। आज नारद जयंती के अवसर पर सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए थे। उन सबके बीच में यही डिस्कशन हुआ कि भी समाज के अंदर अच्छा वातावरण है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, तो उन सब कामों को समाज के सामने लाना, एक सकारात्मक भूमिका में मीडिया को अपना रोल अदा करना, ये कई हमारे पत्रकार बंधुओं ने उसमें बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए कि समाज में आशावादी दृष्टिकोण लोगों का बने, समाज निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लोगों की सहभागिता बढ़े और वो हम सब राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, इस भूमिका को बढ़ाने के लिए हमारे जो मीडिया की भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम चौथे स्तंभ के रूप में भी जानते हैं। पत्रकार को नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए? देखो जी, पत्रकार को खबरों के मामले में समानांतर होना चाहिए, उसको निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी खबरें होती हैं कि भी हम उसको किस एंगल में प्रस्तुत करते रहते हैं, उसकी जो हकीकत है, रियलिटी है, वो हमें लोगों के सामने ले जाना और उसका कोई एंगल ना बने, कोई सांप्रदायिक एंगल या दलित स्वर्ण का एंगल, इस बात का ध्यान रखें। ये तो, और हमारा मीडिया इसमें खासकर भूमिका निभाता भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सी खबरों को किस प्रकार से दिखाना, कई बार छोटी खबरें होती हैं लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं। कैसी होनी चाहिए, थोड़े विस्तार से? आज हमारे देश में राष्ट्र निर्माण के लिए पत्रकारिता की एक अहम भूमिका है और आज मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति, चाहे वो प्रिंट मीडिया का है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, उसको देश हित में एक पॉजिटिविटी के साथ जो है एक अपने समाचारों को पहुँचना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो है देश, राष्ट्र जो है वो पहले है। तो पत्रकारिता में यदि हम पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो उस पर एक निर्माण, अच्छे समाज के निर्माण में हम अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज महर्षि नारद के जो है जयंती के अवसर पर जो एक धरती पर एक पहले पत्रकार माने जाते हैं, तो उनकी याद में जो ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इसमें हमें ये एक प्रण लेना चाहिए कि हम एक समाज को एक नई दिशा देने वाले, एक राष्ट्र को मजबूत करने वाली बात को जो है वो दिखाएं, लिखें, देखने से लिखें, ताकि हमारा देश महान बने, हमारा देश पूरे विश्व में एक अपनी एक पताका लगाए, यही हमारी आज मेरा प्रश्न है।